संत्याग्यात सतो वृत्ति भक्ति सुशक्ति। इसमें बता रहे कि अभी हमने से पहले पूर्व में सुना था कि छह प्रकार से हमारी भक्ति का विनाश होता है, जो हमने सुना था ना। और अभी हमारा क्या है, जो श्लोक में बता रहे कि किस तरह से भक्ति का पोषण होता है, किस तरह से भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। तो इसमें छह बताई चीजें बताई गई है, छह चीजों से हमारी भक्ति में हमारी प्रगति होती है। तो बताया सबसे पहले उत्साह। तो बताया कि भक्ति करने के लिए सबसे पहले उत्साह होना बहुत जरूरी है। जितने उत्साहित हम स्टार्टिंग में होते हैं उतना हमारा उत्साह धीरे 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 कम हो जाता है। बताया गया जितना उत्साह हमारा स्टार्टिंग में जब भक्ति में प्रवेश करते हैं, अगर उतना उत्साह हमारा हमेशा रहेगा तो हम भक्ति में शीघ्र ही आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हमारा उत्साह कम होने लगता है। हमारे शुक्रम गुरु जी बताते थे कि वह जब नया व्यक्ति आता है शुरू में खूब मंगल आती है, एक दो दिन तीन चार दिन, उसके बाद धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। और जितना व्यक्ति सीनियर होता जाता है उतना मंगल आरती में आना बंद कर देता है। क्यों? बताया कि हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, क्या उन्होंने ऐसा भजन स्थापित करके दिखाया? नहीं। तो जितना भजन में वो बढ़ते गए उतना उन्होंने और भक्ति के अंगों का पालन किया, उतना और उनके अंदर उत्साह है। लेकिन हम लोगों के अंदर क्या देखने को मिलता है, जितना हम थोड़ा भक्ति में आना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उतना उतना हमारा उत्साह कम हो रहा है। क्योंकि भक्ति में ही बाधा है। जब तक उत्साह नहीं होगा ना हम भक्ति में नहीं बढ़ सकते। उत्साहित होकर भक्ति करनी पड़ेगी और तभी भगवत कृपा होगी। तो इसमें बहुत अच्छी कथा आती है कि एक व्यक्ति का लंगड़ा व्यक्ति, सच्ची घटना है, शास्त्रों में सबका वर्णन है। एक व्यक्ति था लंगड़ा व्यक्ति था, उसके मन में इच्छा हुई कि मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाऊँगा। अब पहले तो जमाने में ऐसी तो व्यवस्था थी हेलीकॉप्टर की, गाड़ियों की है ना, बसों की, तो लोगों को पैदल यात्रा करने जाना पड़ता था। और सोचो व्यक्ति लंगड़ा और इतना दुर्गम स्थान ऊँचाई है, जैसे तैसे करते करते वो बड़े कष्ट से गिरते पड़ते और मंदिर के पास पहुंचा ही था कि मंदिर के पट बंद हो गए। दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे बद्रीनाथ के पट बंद हो जाते हैं और वो बड़ा दुखी हुआ। तब भी उसने हार नहीं मानी है ना, उसको दर्शन की इच्छा नहीं करी। उसने पुजारी से विनती की, उनके पैर पड़े कि मुझे दर्शन करने दो, दर्शन करने दो। लेकिन पुजारी ने दर्शन बोला कि भैया ऐसी बात है, हमने भगवान को शरण दी है और हम पट नहीं मिलेंगे। वो बड़ा दुखी हुआ और उस पर इतना दुख हुआ कि मैंने इतना टाइम लगाया, इतना समय लगाया और मैं भगवान के दर्शन के लिए और भगवान ने मुझे दर्शन ही नहीं किए। उसका इतना उत्साह था उसके अंदर है ना। पुजारी से विनती करता है, पुजारी ने बोला भैया नहीं, अब छः महीने बाद पट खुलेंगे। कब खुलेंगे? अक्षय तृतीया के समय। अब अक्षय तृतीया में पट खुलेंगे, अब आप जाओ। वो बड़ा दुखी हुआ। तो पास में अलकनंदा नदी बहनी थी, उसने कहा ठीक है अब मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए तो मैं इसको पूछ के अपने प्राण दे दूंगा। तो व्यक्ति गया, उसने जैसे नदी में कूदने वाला था तभी घुड़सवार आ गया। उसने बोला बाबा क्या हो गया? तो बाबा ने बोला ऐसी बात नहीं है, मेरे को दर्शन नहीं हुए बद्रीनाथ जी के और मैं अपने प्राण त्याग करने जा रहा हूँ, आप जाओ मुझे रोको मत। तो उस घुड़सवार ने उनका हाथ पकड़ लिया, कह रहे अरे बाबा आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपको पता है सुबह पट खुलेंगे। बाबा ने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो मुझे बचाने के लिए? उन्होंने कहा नहीं बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, एक दिन की बात है ना, मेरी बात पर विश्वास करो। तो उसने कहा नहीं भी पुजारी, तो बोला छः महीने बाद खुलेंगे। अरे बाबा पुजारी को बोलने दो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात कि कल सुबह ही दर्शन होंगे सब, कल सुबह ही मंदिर के पट खुलेंगे, आप मरना है तो एक दिन रुक जाओ। उन्होंने कहा ठीक है भैया चल, एक दिन की बात है। उन्होंने कहा चलो पास में चलो और एक रात तो काट लिया आपको। उन्होंने कहा ठीक है एक रात काट लेंगे, उसके बाद देखी जाएगी सुबह पट खुलेंगे नहीं खुलेंगे। अब वो व्यक्ति उन्हें गुफा, एक गुफा थी वहाँ ले गया घुड़सवार। अब उसने बोला भैया ऐसी बात है, रात तो काटनी है, मुझे भी काटनी है, आपको भी काटनी है, एक काम करते हैं हम चौसठ खेलते हैं। चौसठ से गेम होता है पासे टाइप के, तो हम चौसठ खेलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलो, रात तो काटनी है, समय व्यक्ति करना है। और वो व्यक्ति घुड़सवार और वो लंगड़ा व्यक्ति रात भर चौसठ होते हैं खेलते हैं। सुबह के टाइम पे मंगलारती के टाइम पे घंटियाँ बजने लगी। उन्होंने कहा देखा, मैंने कहा था सुबह मंदिर खुलेंगे घंटियाँ बजे, जाओ दर्शन करो। और वो लंगड़ा व्यक्ति बड़े उत्साह से, उसके अंदर इतना उत्साह था तो उत्साह से वो मंदिर गया तो देखा वास्तव में सच में पट खुले मिले जय बद्रीनाथ की। वो गया बद्रीनाथ जी के दर्शन करे, लेकिन उसको बड़ा उत्साह है पुजारियों के हैं कि पुजारी तो मुझे बोल रहे थे रात को कि भैया मंदिर नहीं खुलेगा, मंदिर खुले खुल गया।
पुजारी के पास गए, उसे रहा नहीं गया। मेरे भैया ये बताओ तुमने मुझे रात को झूठ क्यों बोला कि मंदिर में खुलेगा, रात तुमने पट खोल दिए। अरे बाबा मैंने आपको देखा हुआ लग रहा है, पुजारी कह रहा वही है, 6 महीने पहले आए थे मेरे पास। बाबा ने 6 महीने पहले, हम कल ही तो रात को मिले। अरे नहीं बाबा, आप 6 महीने पहले आए थे, मुझे याद है, आपने मैंने आपको बोला था अक्षय तृतीय में आना, और आज अक्षय तृतीय है। बाबा ने कहा, बाबा ने लोगों से पता किया तो पता चला कि वास्तव में 6 महीने बीत गए थे, और उसको पता ही नहीं। चौसा खेलते खेलते एक रात्रि ऐसी निकल गई कि उसको लगा कि 6 महीने बीत गए। तो कौन थे? स्वयं बद्रीनाथ जी थे। तो उसके उत्साह को देख के भगवान इतने द्रवीभूत हो गए कि उन्होंने उसको अपने साथ रखा। जैसे कि हम सुनते हैं गोपियों, जब भगवान कृष्ण गोपियों से मिले तो 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का रात्रि तक वो मिले थे, लेकिन गोपियों को क्या लगा, बस रात को गए सुबह आ गए। उसी प्रकार भगवान ने भी लीला की और उनको दर्शन दिए। तो पता है कि हमें भी भक्ति में इतना उत्साहित होना है कि भगवान स्वयं आके हमारे उत्साह में वर्धन करें। उत्साह निश्चय, निश्चय निश्चय होना बहुत जरूरी है। कि जैसे कि हमारे गुरुवर्गों ने करके दिखाया, भजन पद्धति अपनाई है ना, हमारे प्रभुपाद जी, हमारे सब परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ये सब भक्ति करना, भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं है ना। तो जब ये लोग कर रहे हैं, उनको पता है, यानी हमें विश्वास दिला रहे हैं कि भैया भजन करने से ही कल्याण होगा, तो हमें इस चीज में निश्चय होना पड़ेगा। तो इसके कोई उदाहरण है, इसका कोई उदाहरण आता है सदरी का। आप सब लोग जानते हो सदरी का उदाहरण, कथा मैं डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। देखो उसका सदरी का कितना विश्वास था, उनके जो गुरुदेव ने बोला था कि हाँ प्रभु श्री राम आएंगे, विश्वास बिल्कुल कि प्रभु श्री राम आएंगे, उनका इतना विश्वास था। वो रोज सुबह फूल चयन करके लाती थी, बेर, क्योंकि जंगल में तो फल मिलेगा बेर ही मिलेंगे, तो बेर लेके आती थी और सुबह रोज सुबह फूलों की एक मार्ग बनाती थी, पूरा झाड़ू लगाती थी, उसमें फूल बिछाती थी कि आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, और उनके लिए रोज मीठे मीठे बीज लेके आती थी। क्या था उसे निश्चय था। और एक दिन देखो बूढ़ी हो गई थी, तभी यानी कि नहीं आज हो सकता नहीं आया आज छोड़ो, लेकिन नहीं उसे विश्वास था कि गुरुदेव के वाक्यों में कि आप भगवान श्री राम आएंगे ही आएंगे, और वो रोज उसी पद्धति को फॉलो करती थी। और एक दिन भगवान श्री राम के उन्हें दर्शन हुए। तो बताया कि इस तरह भक्ति में हमें भी निश्चय, धैर्य, धैर्य, धैर्य होना बहुत जरूरी है। अभी हम सब लोग क्या है, थोड़ा सा हम बोलते हैं कि हरी नाम करो, गुरुदेव आते हैं कि हरी नाम करो, माला करो, कुछ दिनों बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, एकदम बेफालतू में हरी नाम कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, फर्क पड़ रहा है, पर हमें उस चीज़ की अनुभूति नहीं हो रही। क्यों? हमारे अंदर धैर्य नहीं है, है ना। अगर हम सोचें हम एक दिन में भक्त बन जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर छोटा सा हमें डॉक्टर इंजीनियर भी बनना है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, 12 साल तक हमें कृत करो, फिर उसके बाद 4 साल की डिग्री लो, फिर कोर्स करो, फिर तब जाके ऐसे 15-20 साल लग जाते बनने में, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि एक दिन माला कर दी, 2-4 दिन 16 माला कर दी, बस लहसुन प्याज छोड़ दे तो हम भक्त बन गए। नहीं भैया, धैर्य होना जरूरी है। एक स्त्री हमारे श्री परम गुरुदेव के पास आई थी, वो बोली महाराज जी मेरा भजन ही नहीं हो रहा। महाराज जी ने कहा अच्छा भजन नहीं हो रहा। महाराज जी ने कहा लहसुन प्याज खाते हो? नहीं महाराज जी, लहसुन प्याज तो नहीं खाती मैं, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, और टीवी देखते हो? फिर नहीं, टीवी भी नहीं देखती मैं। अच्छा, फिर रिश्तेदारी में जाते हो, शादी वादी में रिश्तेदारी? नहीं महाराज जी, वो तो मैंने छोड़ ही दिया। और महाराज जी ने माला करते हो? हाँ महाराज जी, 16 तो माला कर ही देते हो। महाराज जी ने भैया और क्या चीज है, ये तो भजन होता है। होता रहे, हम क्या चीज में, तुम क्या सोच रहे भगवान ऊपर क्या चीज हमारे सामने भजन होता रहे। तो भैया धैर्य होना भी बहुत जरूरी है। इसका भी उदाहरण सबरी का भी है। देखो सबरी ने धैर्य किया कि भगवान आएंगे ही आएंगे। बूढ़ी हो गई थी बिल्कुल, चलने में असमर्थ थी तब भी, लेकिन जंगल जाती थी, बेल लाती थी, फूलों फूलों की बिल्कुल सैयारों से जाती थी भगवान के लिए। क्यों? उसको धैर्य, उसके अंदर धैर्य था कि भगवान आएंगे ही आएंगे। एक महाप्रभु जी के पास सब थे मुकुंद, तो महाप्रभु जी सबको कृपा बांट रहे थे, है ना, सबको कृपा बांट रहे थे। तो सबने बोला कि महाप्रभु जी मुकुंद में भी कृपा करो। महाप्रभु ने कहा नहीं, इस पर कृपा नहीं होगी, इस पर कृपा नहीं होगी। तो सब जो भक्त थे बड़े दयालु थे, उन्होंने बोला नहीं महाप्रभु जी इस पर कृपा करो। महाप्रभु जी ने बोला ठीक है, इस पर कृपा होगी, कब होगी? करोड़ों जन्मों के बाद। तो ये सुन के मुकुंद नाचने लगा। क्यों नाचने लगा? कि भैया कम से कम होगी तो कृपा, चाहे करोड़ों जन्म बाद होगी, कृपा तो होगी महाप्रभु की, है ना। उसी तरह हमारे अंदर भी विश्वास होना बहुत जरूरी है कि भैया गुरुवर्ग ने बोला है कि भजन करो, साधन करो, एक दिन भगवत प्राप्ति होगी, हम वो लोग जाएंगे। तो इस चीज़ में हमें विश्वास करना ही होगा, ठीक है। सार निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवृत्तिनाथ, कि भैया भक्ति संबंधी जो कार्य है ना, जो
उन सबको जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको किसमें जोड़ दो, भक्ति में। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, भक्ति करना बड़ा सरल है, एक पानी का गिलास उठाया इधर रख दिया, ये भक्ति है। तो भैया कैसे भक्ति है कि भैया अगर हम कुछ समान कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं उसको क्या करो, छोड़ना कुछ नहीं है उसको, किस चीज में क्या करना है, जोड़ना है उसको, भक्ति से जोड़ दो। घर में झाड़ू लगा रहे हो क्या सोच के लगाओ, किसका घर है, ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का घर छोड़ समझ के झाड़ू लगाओ। जो अपने घर में रसोई कर रहे हो ये मत सोचो बच्चों के लिए करनी है, पति के लिए करनी, नहीं, किसके लिए करनी है, ठाकुर जी के लिए करनी है। घर की सफाई करनी है, भोग बनाना है, बच्चों को पालना है, किस लिए करना है, कि ठाकुर जी बच्चे। तो अपने सारे जो हमारे कर्म है उसको क्या कर दो, भक्ति की ओर उसे उन्मुख कर दो। तो हमारे सारे जो कर्म होंगे क्या होंगे, वे भक्ति करेंगे, हमारी सारी क्रियाएं क्या होंगी, भगवान की एकमात्र प्रसन्नता की होंगी। तब तक कर्म जो दूसरे दूसरे व्यक्ति है जिनका भजन से कोई लेना देना नहीं है, ना उन व्यक्तियों से हमें बच के रहना है, जो भक्ति विरोधी लोग हैं उन लोगों से हमें बच के रहना है। जैसे कि बताया गया मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, और जिनका भक्ति से भी लेना देना नहीं है उन लोगों से हमें बच के रहना है। विषय व्यक्ति, साधारण शब्द बोले विषय व्यक्ति से हमें बच के रहना है। तो मैंने कथा ही बताई थी कि एक जगह आग जल रही है और एक जगह विषय व्यक्ति है, तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो आग में जल के मर जाओ या विषय व्यक्ति का संग करो। तो बताया गया शास्त्रों में कुछ आग में जाके कूद के मर जाओ वो बढ़िया है, लेकिन विषय व्यक्ति का संग मत करो। क्यों, अगर विषय व्यक्ति का संग किया तो क्या होगा, वो हमारी जो भी क्रिया है हमारी जो भक्ति है सब वो नष्ट कर देगा और हमें 84 लाख योनियों के बंधन में दोबारा हमें पड़ा देगा। क्यों, हम उसी विषय में दोबारा लिप्त हो जाएंगे और सब हम भूल जाएंगे, भजन भजन हमारा क्या है सब हम छोड़ छाड़ेंगे, फिर वही 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। लेकिन जो हमारी स्थिति है हम थोड़ा सा भजन कर रहे हैं और अगर हमने सोचा कि हम आग में कूद जाए, है ना, लेकिन क्या होगा हमारा भजन कभी, जो भगवान कहते हैं भगवान की तुम्हारा जो भक्ति तुमने जहाँ छोड़ी है वहीं से शुरू होगी, भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। तो इसलिए अगर दूसरे व्यक्ति का संग करेंगे कि भैया छोड़ो ये क्या है, मठ में क्यों जा रहे हो, मंदिर में भी जा रहे हो, क्या रखा है, ना बहुत से लोग होंगे खासकर रिश्तेदार होते हैं अपने ही लोग होते हैं, अरे कुछ नहीं होता है क्या करते हो, तो छोड़ो कुछ नहीं रखा है इनमें, सब ऐसे ही होते हैं, बाबा ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भैया हमें यह विश्वास होना चाहिए, गुरुवर्गो ने बोला है, है ना, और ये सब जो लोग करके दिखा रहे हैं हमारे जो आचार्य हैं पहले बने हमारे शास्त्रों में एक चीज़ बताई गई है, तो हमें इसका ही पालन करना है। सतोवृत्ति, सतोवृत्ति के अंदर बताया कि भक्त जैसा हमें सदाचार व्यवहार करना है, है ना, तभी इसमें किस प्रकार का भक्त जैसा व्यवहार बताया है सतोवृत्ति के अंदर, जिस प्रकार साधु जन सदाचार का आचरण करते हो, जिस प्रकार वृत्ति का अवलंबन जीवन निर्वाह किया उस आचरण को करना चाहिए। गृहत्यागी भक्त भिक्षा एवं मधुकारी द्वारा तथा ग्रस्त भक्त वर्णाश्रम के अनुकूल वृत्ति के द्वारा जीविका निर्वाह करने करेंगे, यही सदवृत्ति है कि वह जिस प्रकार साधु लोग हैं, है ना, वो क्या करेंगे, मधुकरी करेंगे और अपने जैसे तैसे भगवान का भजन करेंगे और प्रचार करेंगे। ग्रस्त लोगों के लिए क्या बताया गया, वर्णाश्रम का धर्म का पालन करेंगे, है ना, तो यही इसमें बताया गया कि तभी हमारी भक्ति बढ़ेगी, षडर्पित भक्ति प्रसिद्ध थी। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए इन 6 चीज़ों का हम पालन करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। श्री ऋषि भक्तिदास स्वामी महाराज जी ने एक बात बोली थी अपने शिष्यों को कि भैया तुम क्या करो, सिंसियर बनो, जाते समय एक ही बात बोल गए हो कि तुम सिंसियर रहो, सिंसियर होकर भजन करो, है ना। हमारे गुरुदेव भी बोलते थे परम गुरुदेव कि तुम क्या भजन करोगे, तुम्हारा भजन मैं करूंगा, तुम क्या रहो, सिंसियर रहो, बस जो तुम्हें बता दिया गया है जैसा तुम्हें पालन करने के लिए बोला गया है तुम वो करो। स्वामी महाराज जी ने तो एक बात ये भी बोल दी कि अगर तुम सिंसियर रहोगे ना, मैं तुम्हारी गोलोक में एंट्री कराऊंगा बैकडोर से मैं एंट्री कराऊंगा तुम्हारी, ठीक है, पीछे के रास्ते, क्योंकि उनका संबंध है वो तो जानते हो। उन्होंने अपने शिष्यों को जो भी बोला है कि जो भी मेरी बातों का पालन करेगा मैं उनकी बैकडोर एंट्री कराऊंगा, मैं ले जाऊंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। तो स्वामी महाराज जी ने इतनी बड़ी बात बोली है, क्यों बोली है, उन्हें विश्वास है ना। तो
तो इसमें देखो उत्साह भी होंगे अंदर, भक्ति करने के उत्साह दे रहे हैं, निश्चय भी दे रहे हैं भैया भगवत प्राप्ति होगी, धैर्य रखो है ना, और भजन करो, जो मैंने भक्ति के अंगों का पालन करने के लिए बताया गया उनका पालन करो और अवश्य ही एक दिन तुम भगवत धाम जाओगे। तो इन बातों का ध्यान रखे और हमें अपना भजन करना साधन करना चाहिए। ये बात कौन बोल रहा है, ये बात स्वयं कौन बोल रहे हैं, महाप्रभु जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी जी को, और इसका संकलन किसने किया, हमारे इष्ट परम उदेश भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। तो कोई साधारण बात नहीं है, ये महाप्रभु जी खुद बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों का पालन करते हुए हमें आगे भक्ति में आगे बढ़ना होगा। ये बोल के मैं वाणी विषा का वंशा कर महाप्रभु ओजस्वरम परम तेजम यत एतत् समुद्रम।
कि हे देव गुरु बृहस्पति, आप हमें क्या करो, विशेष करके किस प्रकार हम इस बलि से युद्ध कर पाएंगे और कैसे हम इसको जीत पाएंगे, तो आप उसका उपाय कर दो। और जिस प्रकार से ये बलि आ रहा है और अपने सैन्य सामंत को लेके आ रहा है, तो निश्चित रूप में हमें अभी डर होने लगा है। तो वहाँ पे श्री बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति कहते हैं कि जाना में मघवंच तरुण रेतस्य कारण, एतस्य कारण अहम जाना, इसका जो कारण है मैं भले अच्छे से जानता हूँ। इसका क्या कारण है, न भृगुवंशी दापी भी तेजो को शिष्य अवकृता, ये भृगुवंशी के जितने भी ब्राह्मण ये क्या के इसको शिष्य बना चुके हैं, और इसका एक गुरु ने, बहुत सारे गुरु इनको मिलके सारे ब्राह्मण इनके गुरु हो चुके हैं, और गुरु की इनके ऊपर बहुत कृपा है। और सबसे श्रेष्ठ जो कृपा होता है वो क्या है ना, गुरु कृपा है। और सर्वश्रेष्ठ जो आशीर्वाद है, इनको ब्राह्मण का आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुका है, और तेज हो जो ब्राह्मण का जो तेज है, उस तेज में इतना सामर्थ्य होता है कि त्रिभुवन जो किसी को प्रदान करे, तो त्रिभुवन को क्या करे ना, उसको विजय बना सकते हैं। तब इसमें बता रहे हैं कि अब उनके ऊपर ब्राह्मण का कृपा है, इसलिए तुम उनको कभी भी जीत नहीं पाओगे। इसी कारण वजह से तुम उनको क्या करो ना, यहाँ से स्वर्ग से तुम लोग दूर चले जाओ। अगर तुम लोग उनसे युद्ध करना चाहोगे, युद्ध कर भी लिया, तो निश्चित रूप में तुम्हारा हार ही होगा और तुम्हारा क्षति ही होगा, और तुम किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी इनको जीत नहीं सकते हो। इस समय समय तुम्हारा प्रतिकूल अवस्था में है, और प्रतिकूल अवस्था में समय रहने पर भी थोड़े दिन के लिए तुम शांत हो जाओ और स्वर्ग छोड़ के चले जाओ। तो इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के बात को सुन के देवता लोग ने वही किया, देवता लोग स्वर्ग छोड़ के भागे। और जैसे ही स्वर्ग छोड़ के भागे, बलि महाराज स्वर्ग में आते हैं आक्रमण करने के लिए। तो जैसे स्वर्ग में आते हैं तो देखते हैं बलि महाराज, देखते हैं कि देवतागण तो गए नहीं, तो अनायास से ही बिना प्रयास से ही क्या हो गया ना, ये स्वर्ग प्राप्त हो गया। अब इसकी चर्चा स्वर्ग में इंद्र के आसन पर बैठ गए, और जो उनके जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इनका स्वर्ग में जो आसन पे का अभिषेक किया और इनका तिलक किया, पुनः स्वस्ति वाचन किया, और ब्राह्मण की कृपा तो है ही है। तब शुक्राचार्य ने बोले, देखो इस सिंहासन अभी भी तुम्हारा स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। अगर तुम इसको नित्य स्वर्ग के सिंहासन में बैठना चाहते हो, तो तुम्हें सौ समय देना विधि पूर्वक करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण प्रतिकूल अवस्था है, ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, इस समय ब्राह्मण लोग सारे तुम्हारे साथ में हैं, हो ना हो किसी समय ब्राह्मण लोग फिर पुनः अपने मत को परिवर्तन कर दें और बोलेंगे कि हम असुरों के साथ नहीं देंगे। तो इसी यही समय है, यही समय में प्रतिकूल समय में तुम क्या करो, उसी ब्राह्मण के द्वारा सौ समय देवियाँ करो। सौ समय देवियाँ करने के बाद तुम शतक्रतु बनोगे, और उसके पश्चात तो कोई भी तुम्हें चिरकाल के लिए स्वर्ग से, कोई भी बिच्छू स्वर्ग से तुम्हें हटा नहीं सकता, और तुम्हें कोई युद्ध करने का आवश्यक भी नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उपदेश सुन के बलि महाराज वहाँ पे एक नर्मदा नदी के तट पे एक भृगुकच्छ नाम का एक स्थान पे बलि महाराज वहाँ पे जाके यज्ञ करना शुरू करते हैं। अब इसी ये सारे घटना को कौन जानते हैं ना, कश्यप ऋषि की दो पत्नी, एक दीति और एक अदिति। दीति माता के जितने भी पुत्र हैं ये सब असुर वंश, और अदिति माता के जितने भी पुत्र हैं ये सब देवता, इंद्र आदि देवता। तब ये अदिति माता कश्यप ऋषि उसी समय वहाँ पे अनुपस्थित थे, और ध्यान मुद्रा में हर समय वो भगवान के ध्यान करते। तो ये अदिति माता कश्यप ऋषि के पास जाते हैं, क्योंकि अदिति माता उस समय स्वर्ग में ही थे, तो उनको सारे सारे घटना जब पता चलता है तब वो स्वर्ग में जाते हैं। अब स्वर्ग में जाके जहाँ पे ये कश्यप ऋषि ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, उसी स्थान पे जाके उनको बड़े स्तुति करते हैं, उनका बड़ा सेवा करते हैं। और सेवा के पश्चात जब ये कश्यप ऋषि अपना आँख को खोलते हैं तो देखते हैं अदिति माता, तो अदिति माता को देख के कश्यप ऋषि उनको देख रहे हैं कि उनका मुंह क्या है ना, मुरझाया हुआ है। तो अदिति माता का इस प्रकार का स्वरूप को देख के कश्यप ऋषि पूछ रहे हैं
कि हे देवी, आपका इस प्रकार का विसर्जन का कारण क्या है? क्या कोई अतिथि का आपने सत्कार नहीं कर पाया? क्या कोई ब्राह्मण को आपने दान नहीं दे पाया? क्या कोई गौ माता को आपने सेवा नहीं कर पाया? तो आप इस प्रकार का क्यों दुखी हो? तब दशर मुझे की सब बात सुन के अतिथि माता बोलते हैं, मैं ब्राह्मण गो जाति धर्म ये सब कुछ सब और ये सब कुछ मैं क्या करता हूँ ना, ठीक ठीक रूप में यथार्थ रूप में सबको सेवा सत्कार किया मैंने, और मैं कौन हूँ? मैं आपके पत्नी हूँ, मैं स्वयं धर्म पत्नी होते हुए इस सबको कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन और एक विशेष कारण है जिसलिए मैं बड़ा उदास हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो बोलते हैं कि क्या दुखी हूँ, किस चीज़ के लिए दुखी हो? तो वहाँ पे कश्यप ऋषि बोलते हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ कि आपके जो दो कुल है, एक असुर कुल, आपके ही पुत्र असुर कुल और ये देवता कुल, इनके बीच में जब भी लड़ाई होता है, असुरों के ऊपर भी विपत्ति आता है और देवता के ऊपर भी विपत्ति आता है। अब असुर ने इस प्रकार, असुर लोगों ने इस प्रकार स्वर्ग को ऊपर सिंहासन में डेरा डाल चुके हैं कि देवता लोग क्या है ना, वन में छुप छुप के रहना पड़ रहा है, किसी के पेड़ के नीचे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। तो उनके उनके लिए उनके उनको आप क्या करो ना, देवता को आप कृपा करो, और कृपा करके आप कृपया उसका कुछ समाधान हमें बताइए। तब वहाँ पे कश्यप ऋषि हंसते हुए बोलते हैं कि को देहो भौतिकात्मान क्वचात्म प्रकृते परम कश्यपे पतिपुत्रस्य मोह एव हि कारणं। हे देवी, इस जगत में कौन किसका न को देहो भौतिकात्मा, ये जो पंच शरीर का जो तेज मरुद व्यम, ये जो पांच शरीर है, तो ये पांच शरीर का जो गठित शरीर का कोई भी इसका अस्तित्व तो नहीं है। किति जल पाव तो गगन शरीर है, पंच रसन है, ये अधम शरीर, ये अधम शरीर का कोई भी अस्तित्व तो नहीं है। इसीलिए इसके लिए किस प्रकार से चिंता करना, और वो आत्मा प्रकृति पर कि ये जो शरीर है, शरीर में जो आत्मा है, तो इसमें बड़े सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि आत्मा उसको क्या है, आत्मा है सत्य। आत्मा जाने के बाद इस शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी कश्य के पति पुत्र किस प्रकार का, इस जगत में कोई भी किसी का पुत्र नहीं है, कोई भी किसी का पति नहीं है, केवल मोह एवं ही कारण बता रहे हैं, केवल मोह मात्र ही इस जगत का, मैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये केवल मोह मात्र ही है, ये जीव का मोह के कारण ये संसार में बद्ध हो गया है। तो बता रहे हैं, उपदिष्टंतु पुरुषम भगवान जनार्दन सर्वभूतम भूयम वासम वासुदेवम जगद्गुरु, कि आप क्या करो, जो भगवान जनार्दन है, वो वासुदेव जगद्गुरु हैं, उनको आप क्या करो, एकमात्र उनके शरण में जाने पर ही सारे सकल सारे जो दुख है, सारे जो कर्म से है, उनको वो क्या करेंगे ना, सारे कर्मों से को नाश कर देंगे। इसलिए हे देवी, आप क्या करो ना, भगवान को स्तुति करो, भगवान को अर्चन करो और व्रत करो। तब यहाँ पे जब व्रत के बाद उठता है, तब अदिति माता बोलते हैं कि मैं क्या ना, का नाम विधिनम ब्रह्मण शासन जगतपते यथान यथे संकल्प विधिधन्य मनोरथ, कि मैं अपने मनोस्कामना विधिधन्य में मनोरथ, मैं अपने मनोस्कामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ कौन से व्रत करूँ और किस प्रकार मैं व्रत करूँ, और व्रत करने के लिए भी तो कोई संकल्प होना चाहिए और कोई तिथि होना चाहिए, क्या क्या मैं व्रत करूँ। तब कश्यप ऋषि यहाँ पे पयोग व्रत के जो विधि है, प्रयोग व्रत करने के लिए उपदेश देते हैं और पयोग व्रत करने का विधि बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि जिस समय कश्यप ऋषि को हृदय में भी इच्छा हुआ कि पुत्र संतान प्राप्ति करने के लिए, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा था। अब कश्यप ऋषि बोल रहे हैं कि वही ब्रह्मा जी का जो वाणी है उसको ही मैं बता रहा हूँ कि फाल्गुन मास्यम पक्षम द्वादश पयोव्रतम अर्चय रविंदाख्यम भक्त्या परमानत। ये फाल्गुन के मास, फागुन यानी होली के समय पे ये पयोव्रत किया जाता है, और प्रतिपदा से लेकर ये 12 दिन केवल दूध पान करके, पयो यानी दूध पान करके व्रत को रखा जाता है। और इस व्रत का बड़ा नियम है, क्या क्या नियम है बता रहे हैं कि क्रोध विधि नया स्नायु
कि जिस जहाँ पे बराह ने क्या उसने खुद से खोदा हुआ मिट्टी को कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा, उसी मिट्टी को शरीर में मार्जन करते हुए सुंदर पुष्करिणी आदि तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, और स्नान करने के बाद फिर बड़े पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान को दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, और भगवान को दूध से अभिषेक करके दुर्वा धूप दीप गंध पुष्प आदि पंचोपचार विधि से भगवान को पूजा करके वहाँ पे भगवान को अर्घ का भोग लगाया जाएगा, और उसमें भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि प्रदान करके ब्राह्मणों को भोजन आदि करके व्रत का समापन किया जाएगा त्रयोदशी में। तो इसी प्रकार जो विधि बताए, तो उसी विधि में जब उन्होंने व्रत करना शुरू किया, कश्यप ऋषि का जो पत्नी अदिति ने व्रत करना शुरू करा, इत्युक्तम सदितम राजम सुवर्णम कश्यपेन वे अनुष्ठितम व्रतमिदम द्वादशम मध्यमिंद्रिता, अपने द्वादश इंद्र अपने एकादशी इंद्रिय को संयम करके क्या कि ना अनुष्ठितम व्रतमिदम, ये जो 12 दिन का जो पय व्रत थे इसको विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, विधि पूर्वक इस व्रत को किया। तो जैसे इस व्रत को किया, एक दिन जैसे वो ध्यान कर रहे हैं, इतने ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते करते नामनम भूमिकायनम दंडवत प्रतिवज्जला तम नेत्रम गोचरम वक्षम सहजो साम था, कि ठाकुर जी इनके जो नेत्र गोचर हुआ, जैसे आँख खोले भगवान उनके सामने शंख चक्र कला पद्म लेके चतुर्भुज रूप में भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए तो इन्होंने क्या किया ना दंडवत प्रतिविह्वला, बड़े भाव विह्वल हो गए, और भाव विह्वल होके भगवान के चरणों में दंडवत करके स्तुति करते हैं, नमो हिरण्य गर्भाय प्राणाय जगतात्मने जोगी सुजाय शीलाय नमस्ते जोगहेतवे नमस्ते आदि देवाय साखी भूताय ते नमः नारायणाय रुद्रे नारायण हरे नमः। कि हे प्रभु हे हिरण्य गर्भ आप क्या हो न प्राणाय जगतात्मने, आप इस सारे अचराचर जगत का आप प्राण स्वरूप हो, अगर आप नहीं होते शरीर है, शरीर में अगर प्राण नहीं है तो शरीर का कोई फायदा ही नहीं, उसी प्रकार इस जगत है और जगत में अगर आप नहीं हो तो जगत का भी कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए आप क्या हो ना आप प्राणाय, आप इस जगत के प्राण स्वरूप हो, और जोगे सुजाय शरीराय नमस्ते जोग हेतवे, सारे जोग यहाँ किस योग की बात कर रहे हैं, भक्ति योग के द्वारा, आप भक्ति योग के द्वारा उसी प्राण को उसी शरीर को क्या करते हो ना पोषण करते हो, इसीलिए हे प्रभु नमो आदि देवाय, आप सबसे आदि देव हो, और साखी भूताय ते नमो, आप सबके हृदय में साखी के रूप में भी विराजमान करते हो, कोई जीव आपको ठग नहीं सकता, सबके भले बुरे अच्छे कर्म सुकृति दुष्कृति ये सब चीज आपको ज्ञात है, इसीलिए हे नारायण ऋषि नारायण हरे नमो, आप क्या करो ना मेरा इस दुख को, मेरा इस दुख को आप हरण करो, तब और स्तुति करते नमो मकर कुत श्यामस्ते शुभम विजय केशवाय नमोस्तुतम नमो पीतवासते, कि हे पीतवासते हे पीत वर्ण धारण करने वाले पीला वस्त्र धारण करने वाले हे प्रभु, आपके मुकुट आपके जो शंख चक्र गदा पद्म देख के त्रिभुवन भी मोहित हो जाते हैं, आपके एक एक आयुध एक एक अस्त्र ये सबको सारे दुष्ट को नाश करने वाले, तब यहाँ पे इस प्रकार जब स्तुति करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं स्तुति सुनके, अब भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे दुख की बात भली भांति जानता हूँ कि तुमने किस उद्देश्य से ये पयोव्रत किया है, फिर भी इस समय देवता के प्रतिकूल अवस्था है और असुरों का अनुकूल अवस्था है, असुर कुलगण ने ब्राह्मण के कृपा प्राप्त कर रखे हैं और ब्राह्मण की कृपा के सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए हे अदिति माता आप क्या करो ना कुछ समय के पश्चात मैं आपके इस हल का निश्चित रूप में समाधान कर दूंगा, और मैं ही आपके गर्भ में पुनः जन्म लेके उनको कुछ ना कुछ इसका समाधान करूंगा, इस प्रकार भगवान तथास्तु करके अंतर्ध्यान हो गए, और कुछ दिन के पश्चात पुनः अदिति माता के गर्भ से भगवान वामन देव प्रकट होते हैं, भगवान वामन देव भगवान वामन देव की जय।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण तो प्रभुपाद को कृष्ण प्रश्न किया है, बोले हमें जीवन में भगवान का प्रेम भगवान की भक्ति हमें कैसे मिले, ये प्रश्न। असल में हम एक चीज चाहते हैं, हमें जीवन में भक्ति और भगवत प्रेम ही जीवन में मिले, क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का एक ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम। अगर जीवन में ये चीज मिल गया तो समझो बात जीवन में हमें सब कुछ जीवन में हमें मिल गया और किसी चीज की कमी नहीं रही। अगर जीवन में भक्ति अगर भगवत प्रेम नहीं मिला लेकिन जगत का सारे चीज अगर मिल भी गया कहते कोई भी तुम्हारी लाभ होने वाले नहीं। अगर जीवन में हमें कोई परम शांति परम आनंद प्रदान कौन करेगा, बोले भगवत प्रेम ही भगवत प्राप्ति हमें यही परम आनंद का कारण है। इसलिए किसने प्रभुपाद से यही प्रश्न किया, हमें जीवन में भगवत प्रेम भगवत भक्ति हमें कैसे मिलेगी, तो इसका प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, बोले भक्त संगे भक्ति लाभ है, अन्य उपाय भक्ति है ना। कहते भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, भक्ति केवल भक्तों का संग से ही भगवत भक्ति मिलेगा है। कहते और कोई उपाय नहीं भगवत भक्ति प्राप्त होने का। इसलिए श्री रघुगण महाराज हैं, भरत महाराज कहते हैं रघुगणी न तपस्या, कि तपस्या के द्वारा भगवान नहीं मिलेंगे, न जाति किसी उच्च कुल में जन्म लेने पर भी नहीं मिलेंगे, न इच्छया पूजा पाठ के द्वारा भी नहीं मिलेंगे, कहते घर छोड़ने पर भी नहीं मिलेंगे, वेद पढ़ने पर भी नहीं मिलेंगे, अग्नि जल की पूजा करने पर भी नहीं मिलेंगे, फिर मिलेंगे कैसे, कहते केवल भक्तों का संघर्ष ही मिलेगा। इसलिए सारे शास्त्र एक ही बात कहता है, भगवान की भक्तों का संघ जरूर हमें करनी चाहिए, इसलिए भक्ति का संघ से ही भक्ति मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यदि कृष्ण प्राप्ति जीवर सर्वापेक्षा मंगल, इसलिए भगवत प्राप्ति की अगर केवल एक ही उपाय है भगवत भक्तों का संघ कर, जैसे आप लोग सवेरे सवेरे आए इसी समय तो कोई सोया हुआ होगा, आप जितने बजे उठते हो उस समय कोई सोते हुआ होगा, लेकिन आप लोगों ने भक्तों का संग के लिए उतने 4 बजे उठ गए होंगे, स्नान पान तिलक लगा करके फिर यहाँ पर आ जाते हैं और थोड़ी समय यहाँ भगवत कथा सुनी, भगवत कथा मतलब जान तो जैसे घड़ी में चार्ज कर देते हैं ना, घड़ी में पहले चाबी लगाया करते थे फिर वो 24 घंटा चलता, आप जो सवेरे आ जाते हो आपका अंदर में चार्ज हो जाता है पूरा, ये पूरा 24 घंटा काम करेगा, ये 24 घंटा ये पूरा पूरा काम करेगा 24 घंटा नहीं, कभी कभी भक्तों का संघर्ष तो जिंदगी जिंदगी बदली जाती है हमारी। इसलिए यहाँ कहते महाभाग्य फले तहा लाभ है, ब्रह्मांड भ्रमण वासना शेष हले जीव भगवान भागवान भाग्यवान हन। यहाँ कहते हैं कहते जो भक्तों का जो संघ है यदि ये साधारण भाग्य से भक्तों का संग्रह में प्राप्त नहीं होता, बहुत भाग्य से कहते जिस समय ये संसार का सारे दुख कष्ट तुम्हारे समाप्त हो गए और तुम्हें ये संसार का दुख कष्ट तुमने भोगना और नहीं पड़ेगा, जब ये स्थिति आती है तभी जा करके भक्तों का संग्रह तभी प्राप्त होगा, उसको पहले भक्तों का संग्रह में नहीं मिलेगा। बोले गुरु अनुग्रह बोले आत्मधर्म प्रकाशित हले जीवर भक्ति बीज लाभ है। अभी प्रश्न होता है ये भक्ति को एक बीज को साथ में उदाहरण दिया है, जैसे बीज नहीं होगा तो वृक्ष कैसे होगा, लेकिन ये बीज अभी मिलेगा कहाँ से, बोले ये बीज तभी मिलेगा जब हमें
गुरुदेव की हमें आशीर्वाद मिले है गुरुदेव। इसलिए शास्त्र ने बताया महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना है कर। इसका मतलब है जब तक तो किसी महान पुरुष का कृपा हमें पर नहीं हो जाता है तब तो किसी तरह से भगवत प्राप्ति का कोई उपाय है ही नहीं, और कोई भी उपाय नहीं, केवल भक्तों का संघर्ष ही। कहते कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, कहते साधारण जो संसार ही नष्ट नहीं होता है जीव का, इसलिए बड़े भाग्य से कहीं हमें भक्तों का संघ में प्राप्त हुई है। इसलिए यहाँ पर कहते आत्मधर्म का जीवन भक्ति बीज लाभ है, गुरु कृपा और कृष्ण कृपा अलादा न। यहाँ पर कह रहे हैं अगर हमें किसी सदगुरु की कृपा हो जाता है, समझो ये भगवत कृष्ण का ही कृपा है, क्योंकि कृष्ण के कृपा के बगैर कोई सदगुरु के पास में कोई आ ही नहीं सकते। मतलब भगवान जब व्यवस्था करते हैं ये जीव हमारे किसी भक्तों के पास में जाए तब भी जीव भक्तों के पास में जाता है। जैसे नारद जी किसके पास में आए, पर ध्रुव जी के पास में आए, किसने भेजा, भगवान ने भेजा, बोले जाओ तुम जाकर उसको मेरे नाम प्रदान मेरी हाँ उसको दीक्षा मंत्र दे करके आओ, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के लिए इतने उतावला हो रहा था कब भगवान मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए कहते भगवत कृपा से ही हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। जब सदगुरु मिल जाए ये समझना भगवान और सदगुरु प्राप्ति कोई अलग चीज नहीं, वो एक ही चीज है। इसलिए कहते कहते प्रसाद या प्रकृष्ट रूपे आनंदित है प्रदत है सही अनुग्रह गौरांग बोले छे। इसलिए महाप्रभु स्वयं क्या बोले, कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को गुरु और कृष्ण कृपा से ही कहते ये भक्ति लता भी बीज उसको प्राप्त होता है, क्योंकि बीज होगा तभी तो उसमें लता आएगी ना, अगर बीज नहीं होगा लता कहाँ से आएगी। लेकिन ये किसकी कृपा से, बोले गुरु और कृष्ण कृपा से ही। बोले कौन, तब कहते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति, बोले भैया कौन है यहाँ पर जो कौन, मतलब किसी सौभाग्यवान व्यक्ति, बोले ये कौन है, बोले जिनकी पूर्व पूर्व जन्म में जिनकी भक्ति उन्मुख सुकृति बहुत है, थोड़े बड़े नहीं है। हम लोग जो भक्ति में आए ना ये मत समझो कोई पूर्व जन्म थोड़े बड़े कोई भक्ति नहीं, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म की आपका जो भक्ति उन्मुख सुकृति, भक्ति उन्मुख सुकृति मतलब क्या, बोले जान और अनजान में कहीं धाम कहीं गए तुलसी में पानी दिए हो, किसी साधु संत की आपने सेवा की है, हैं भगवान का कीर्तन किया हो भगवान की भजन की, इसको भक्ति उन्मुख सुकृति कहते हैं। ये पुण्य कर्म नहीं, ये भक्ति उन्मुख, जिसको द्वारा भक्ति बढ़ती है, जरूर पूर्व जन्म में थोड़ी बढ़ी बहुत किए हो, बहुत किए हो, जिसका फल स्वरूप आज आपको भगवान भक्तों का संग और भगवत कथा में आते हो और भगवान की भजन करते हो, वो साधारण भाग्य से नहीं है, बहुत भाग्य से, बहुत भाग्य से। इसलिए यहाँ पर कहते भृत्य है प्रभु के सेवा कराई हलो भक्ति। बोले भक्ति किसको कहते हैं, बोले भक्ति उसे कहते हैं, बोले ठाकुर जी हम आपकी सेवक हैं, आप हमारी प्रभु हो हैं हम। इसलिए भक्ति कहते भक्ति जिनिष्टि प्रभुर सुख विधान निज सुखार्थ प्रभु सेवा भक्ति पदवाच्य अनुमान। कहते भक्ति कहते हैं किसको, बोले भक्ति उसे कहते हैं जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है, वो जो कुछ करते हैं कैसे हम अपना गुरु वैष्णव और भगवान को कैसे हम प्रसन्नता करें, ठाकुर जी का कैसे प्रसन्नता हो, अपना सुख को वो नहीं देखते हैं। जैसे हनुमान जी जब उनको भगवान बोले वर मांगो, क्या कहते हैं, बोले बार बार वर मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रभु हमें भक्त का संग दो, आपके चरण की सेवा दो, कैसे सेवा दो, बोले अनुपायनी, अनुपायनी मतलब निष्काम सेवा, जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं हो, कोई
इच्छा नहीं हो, हर समय प्रभु को हम प्रसन्नता कैसे करें? अगर प्रभु की प्रसन्नता हो तुम्हारी क्या हो जाएगी? क्या तुम्हारी क्या होगा? बोले कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप प्रसन्नता अपनी आप मिल जाती है, अपनी आप। जैसे राधा रानी कृष्ण सेवा करती हैं, कृष्ण सेवा करने पर कृष्ण जितने खुश होते हैं ना, कृष्ण जितने खुश होते हैं, राधा रानी को करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता है, थोड़े बड़े नहीं, कहते करोड़ों गुण। इसलिए तो कृष्ण कलयुग में राधा जी की भाव अंग लेकर के आए। जब हम भगवान की सेवा के लिए प्रचेष्टा करते हैं, जब भगवान खुश हो जाते हैं ना, तुमको अपने आप ये आनंद मिल जाएगा, अलग रूप में आनंद पाने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते जो भक्त लोग होते हैं वो कभी अपना अपना सुख के लिए हैं, अपना सुख के लिए कोई भी चेष्टा नहीं करते हैं, 24 घंटा प्रभु की सेवा में ही लगे रहते हैं। कहते तुम्हारे सेवाए दुख है जो तो सेव तो परम सुख हो। अगर प्रभु की सेवा करने के लिए गए, अगर उसमें कोई दुख भी आए ना, कहते परम सुख का कारण और दुख का कारण नहीं। क्यों? ठाकुर जी देखते हैं ना, बैठ बैठ करके देखो ये मेरे लिए कितने कष्ट करता है, मेरे लिए कितने परिश्रम करता है, दिन रात उसको बराबर। जब भगवान पर संतुष्ट हो गए, अगर कोई परिश्रम भी हुआ है, कहते परम आनंद का कारण है, परम सुख का कारण है, हैं परम सुख का कारण है। लेकिन जो संसार में है ना, संसार में भी बड़ा दुख कष्ट आता है, संसार के लोग को खुश करने के लिए भी बहुत हम परिश्रम करते, उसका कोई फल नहीं, उसका फल बंधन है, उसका कोई फल नहीं, बल्कि उसमें दुख ही कारण है, वो दुख का ही कारण बनेगा। लेकिन भगवान के लिए अगर कुछ करते हैं, अगर उसमें कोई कष्ट हो तो कष्ट नहीं, वो आनंद का कारण है, हैं वो सुख परम सुख का कारण है। इसलिए यहाँ कहते हैं पहले गुरु निकट थे कई यही भक्ति बीज लाभ है, माली है यही बीज हृदय क्षेत्रे आरोपण करे ताते श्रवण कीर्तन जल सचन करता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, कहते गुरु निकट थे कई यही भक्ति बीज लाभ है। कहते भक्ति रूपी बीज कहाँ से मिलता है? पहले गुरु जी की कृपा से ही ये भक्ति लता बीज गुरु जी की कृपा से ही मिलेगी, भक्ति और कहीं नहीं मिलेगी। जो भक्ति रूपी जो बीज है वो गुरु से ही मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं। अभी गुरुदेव का हमें क्या किया, अपना हृदय में ये भक्ति रूपी बीज को गुरुदेव बहुत दिया है, लेकिन अभी हमें क्या करनी चाहिए? जैसे हमने एक पौधा लगाया, अभी हमें माली हो करके ना, अभी उसको क्या करना पड़ेगा, माली हो करके इसको आरोपण करके अभी उसमें पानी देने का जरूरत अभी शिष्य का है। जो जितनी जो माली जितनी अच्छे तरह से वो वृक्षों को टाइम टाइम पर पानी देगा, और उसमें कभी आगाछा आ जाती, आगाछा मतलब क्या, आपने कभी पेड़ लगाया? कभी कौन कौन पेड़ लगाया? आप देखना जब पेड़ लगाते हो ना, उसको आसपास में दूसरे दूसरे पेड़ भी आ जाती हैं, लेकिन जब सही माली है उसको पता ये मूल वृक्ष कौन है और दूसरे वृक्ष को माली को ये बात पता है, वो क्या करता है? जो लोग धान का हम गाँव के हैं हमारी, वहाँ पर एक होता है श्यामा गाछ, श्यामा एक होता है, जब मूल जो पेड़ को लगाते हैं वो मूल जो धान का पेड़ जितना सुंदर है वो उससे ज़्यादा सुंदर होता है दूसरा वृक्ष, उससे सुंदर एकदम काला काला रंग का एकदम उससे बढ़िया सुंदर। लेकिन जो सही किसान है ना उसको पहचान है ये मूल जो धान का वृक्ष कौन और ये सामा वृक्ष कौन, वो क्या करता है जो आगाछा उसको निकाल देता है, और निकालेगा नहीं ना, जो मूल वृक्ष को जो रस मिलनी चाहिए वो सारे रस को वही खींच लेता है और उसको दबा लेता है। कहते उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं उसमें ना क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हैं थोड़ी सी भजन करो, थोड़ी सी हृदय से प्रभु का पुकार हरिनाम करो, देखना सारा दुनिया तुमको प्रशंसा करने लग जाएगी, पूजा करना शुरू कर देंगे, तुमको प्रणाम देना शुरू कर देंगे, तुमको मिठाई देना इतने आने लग जाएगा आपको कुछ सोचने लगता हो। लेकिन जो साधारण साधक क्या समझेगा, बस हमारी भक्ति होगी, अगर भक्ति नहीं होता तो लोग हमें पूजा क्यों कर रहे, ये प्रतिष्ठा क्यों दे रहे, हमारे इतने बाहवा क्यों हो रहे हैं, हम तो भक्त बन गए। लेकिन कहते हैं ये जो चीज़ जो सही साधक है ना जो साधन करता है, भैया कहती है हमारी भक्ति में ये बाधा है, ये भक्ति में हमारी ये बाधा है, ये भक्ति नहीं ये बाधा है, ये क्या ये चीज़ क्या कर रहे हैं। हमें भक्ति से धीरे 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 मन को हटा करके
ये दूसरी चीज में हमें ले जा रहा है। इसलिए जो सही साधक होगा वो उस तरफ में ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं दे करके वो जो उसको ज्ञान कर्म जो उसको वहाँ से उखाड़ देता है। बोले नहीं भैया हमें ये चीज़ नहीं चाहिए अब हैं, ये चीज़ जैसे माधवेंद्रपुरी ठाकुर जी इनके लिए खीर चोरी किया, उन्होंने देखा सबरे होते ही सारा दुनिया लोग को जो पता चलेगा अरे ठाकुर जी इनके लिए क्या क्या खीर चोरी किया, अभी सारा दुनिया आएंगे मेरे को पूजा करने के लिए देखने के लिए क्या होगा। मैं जो एकनिष्ठ होकर के भजन कर रहा हूँ ये भजन में बाधा है, ये भजन में ये बाधा सृष्टि करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया छोड़ रहे भागे, वो लोग आने से पहले छोड़ रहे भाग गए हैं, लेकिन भाग गए छोड़ करके। लेकिन जब जगन्नाथपुरी पहुंचे ना जो चाहता नहीं ठाकुर उसको ज्यादा करके देते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचने पहले वहां पर ठाकुर जी स्वप्न दे दिए राजा को, मेरे भक्त आ रहा है उनके लिए मलय जो चंदन की व्यवस्था कर देना। जब पुरी में पहुंचे ना तो फिर राजा स्वागत करने के लिए, अरे मतलब हमने वहाँ छोड़ कर प्रतिष्ठा आए और ठाकुर जी हमें प्रतिष्ठा देने के। जो शुद्ध भक्त होते हैं ठाकुर जी नहीं चाहते उनको देते हैं, लेकिन जो पहले जो साधक है जो साधन करते हैं उनको इसी विषय पर थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब चीज भक्त में कभी कभी हमें भक्ति से च्युत कर देता है, च्युत करके हमें लेकर के विषय में ही हमें डुबा देता है। इसलिए ये सब चीज़ साधकों को सावधानी रहनी, विषय में सावधानी रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो उसी में ही वो डूब जाता है, उसी में ही वो डूब करके फिर भक्ति भक्ति वहाँ से फिर खत्म हो जाती है, फिर वो आगे बढ़ फिर वो साधक आगे नहीं बढ़ पाती है भक्ति जगत में। इसलिए साधुओं को सावधान होनी चाहिए, इसलिए कहते साधु सावधान। किसको सावधान कर रहे हैं वो साधु को, जो भजन करने वाले कहते उनको ही सावधान कर रहे हैं, भजन कर रहे हो इसलिए ये प्रतिष्ठा लाभ पैसा पैसा ये सब चीज आएगी। लेकिन अगर उसी में ही अगर हम डूब गए पैसा के लोभ से अगर फंस गए, फिर फंस गए तो गुरुदेव बोलते तो बोले खबरदार पास में पैसा नहीं रखने का है। इसलिए हम लोग जब मथुरा में जाते थे हम लोग को एक एक रुपया प्रणाम मिलता था, जब हम लोग एक एक रुपया ला कर एक रुपया कहीं दो रुपया इससे ज़्यादा नहीं मिलता था, तब जितने जाते थे जो प्रणाम मिला ना हम आकर के एक रुपया दो रुपया हम गुरु जी को दे देते थे। जब देते थे अगर कोई नहीं दिया तो गुरु जी बोलते थे बोले वो कहाँ गया ब्रह्मचारी उसको बुलाओ वो प्रणाम नहीं दिया। तो बोले तुम्हारी पैसा कहाँ, बोले गुरुदेव इसको हम इसको कोलगेट खरीदी करने के लिए हमने कोलगेट खरीदी कर हमारा खत्म हो गया है। गुरुदेव ऐसे नहीं रखनी चाहिए, पहले गुरु जी को दो, देख करके वो जो विषय व्यक्ति वो जो पैसा दिया है वो पैसा नहीं वो बीस है, वो दो रुपया नहीं दिया तुमको, वो घर का जितने दुख कष्ट को दिया है। साधु को क्यों देते हैं पैसा क्यों दिया साधु को, हमारी बेटी की शादी हो जाए बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है हमारे घर में ये समस्या इसके बीमारी हो गया है, वो बीमारी कैसे ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके दो रुपया नहीं दिया, वो सबके सब दुख कष्ट तुमको दिया है सारे पाप तुमको दिया है, अभी तुम इसको गुरुदेव उसको तुम हजम नहीं कर सकते हो, ये चीज गुरु जी हजम कर सकता है, वो दो रुपया नहीं सारे पाप दुख कष्ट दिया, वो बीस है गुरुदेव ने तो बीस दिया तुमको उसको तुम हजम नहीं कर सकते हो। इसलिए गुरु जी को हाथ में देने पर जब गुरु जी के हाथ से लेते हो तभी जा करके वो तुमको पाप खत्म होगा, नहीं तो सारे तुमको पाप भोगना पड़ेगा है। नहीं तो रामायण में बताया अगले जीवन में उसके घर में कुत्ते होकर जन्म लोगे हैं, जाकर कुत्ते बनकर जन्म लोगे उस घर में। इसलिए गुरुदेव इसी विषय पर साधक को सावधान करते थे। एक बार मथुरा में हम भिक्षा में जाते थे घर में भिक्षा में गए तो हमने हमको जो प्रणाम मिला उसमें 50 रुपया मिला, उसमें 50 रुपया की बहुत कीमत है, 50 रुपया मिला, मैंने 50 रुपया ला कर गुरु जी को दिया और जो दाल चावल और जो आटा फाटा हम घर घर में जाते थे दिया, हाँ गुरुदेव को जब दिया 50 रुपया, 50 रुपया दे करके मैं हठात मैंने मांग लिया, बोले गुरु जी उस समय पेट बहुत खराब रहता था हजम शक्ति बहुत कम थी, बोले गुरुदेव मेरे को एक दवा की ज़रूरत है करके 15 रुपया लगेगा,
उसमें 15 रुपया कीमत है। जब गुरुदेव को देख रहे, गुरुदेव नहीं, एकदम गुरु जी को देख करके नहीं मांगनी चाहिए, तुमको ऐसे लगेगा हमने भिक्षा करके लाए और हमने दिया गुरुदेव को और हम देकर गुरुदेव अब भी नहीं मांगनी चाहिए, तो झट देकर नहीं मांगनी चाहिए, बाद में आकर के फिर मांगो, फिर हाँ ये पैसा लो, नहीं तो तुमको ये लगेगा चूंकि हमने 50 रुपया भिक्षा करके लाए, हमारे द्वारा भिक्षा करके लाया हूँ और गुरुदेव हमने दिया, अब हम मांग कर फिर गुरु जी बोले अभी नहीं मांगनी चाहिए, हमें बाद में मांगना। मतलब गुरुदेव ऐसी चीज को शिक्षा दिया करते थे, कोई भी चीज हो गुरु जी को देख करके आदेश ले करके हर चीज करनी चाहिए, नहीं तो सारे पाप को हम भोग नहीं कर सकते हैं। फिर वो धीरे 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 क्या होगा, एक पैसा रख दिया गुरु जी से छुपा करके, उसको तो गुरु जी को तो पता नहीं चला, 2 रुपया रख लिया, फिर 3 रुपया गुरुदेव कहते थे, फिर धीरे धीरे कि ना ये एक जैसे छोटी सी कोई फोड़ा हो गया, अगर नहीं बोलेंगे ना फिर ये शरीर को फाड़ देगा, फिर धीरे 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 हृदय में वही पैसा रखते रखते, पैसा तो पाप है हैं, फिर धीरे धीरे कामना धीरे धीरे सृष्टि होगा, कामना वासना होते 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 फिर तो भगदड़ हो जाएगा गुरुदेव के, फिर भगदड़ सृष्टि होगा, पूरा मृत्यु का कारण हो जाएगा। मंदिर में ऐसे कोई ब्रह्मचारी था, वो क्या करता था, वो गुरुदेव को साथ में जाता था हैं, और जो उसको प्रणाम मिलते थे ना गुरुदेव को नहीं देता, पास में रखता था, रखते 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 उसके हृदय में संसार की, संतों का क्या पैसा की क्या काम है, और गुरुदेव से छुपा छुपा कर रखता था हृदय में संसार की कामना भी, शादी करने का, उसने एक पैसा भी इधर उधर कहीं खर्चा नहीं करता, कब लोग जोड़ता रहता था जोड़ता रहता था, फिर शादी किया, लेकिन वो पैसा उसकी भोग का विषय नहीं हुआ, वो भोग नहीं कर पाए, बीमारी में खत्म हो गए और पैसा बेकार, पूरा वो पैसा बेकार चली गई, क्यों, वो गुरु वैष्णव को धोखे दे करके चुके वो पैसा को संग्रह कर रहा था, कोई सेवा में नहीं लगा, कठोर बीमारी पड़ी, बीमारी में दुख कष्ट भोग किया और अंतिम समय प्राण त्याग किया, एक भी पैसा उसके कोई काम में नहीं आया। इसलिए अगर गुरु वैष्णव से कोई भी चीज को छुपा छुपा कर रखेंगे कोई काम में तुम्हारी आने वाले नहीं, क्योंकि वो विषयों का बीज है, तो सारे पाप है। किसने ऐसे ऐसे पैसा रखा लाख प्रेत जन्म को प्राप्त किया, कोई एक पुजारी थी, वो पुजारी के किसने दिया राधा रानी के लिए नाग की बताया ना, नाग की जो नहीं नथनी दिया वो सोने की दिया, लेकिन वो गृहस्थ व्यक्ति था, उसने किया क्या, नकली तो पहना दिया राधा रानी, और जो असली जो था ना अपना राधा जी को पहना दिया असली को अपने राधा जी को, जो नकली थी उसने पहना दिया राधा रानी को, नकली बना कर किसको तो पता नहीं चलेगा, अगले जीवन में प्रेत जन्म में उसको जाना पड़ा, भूत प्रेत होकर जन्म ग्रहण किया। इसलिए ठाकुर जी का कोई भी वस्तु हमें कभी भी अपहरण नहीं करनी चाहिए, इसलिए ठाकुर जी के लिए जो वस्तु आता है सचमुच से वो सही सही ठाकुर जी की सेवा में अगर लगेगा ना, फिर तो वो चीज ठाकुर को कृपा उसको पर करेंगे ना, ठाकुर जी उसको जो पैसा दिया है ठाकुर को सेवा में चुके लग गया, जिस व्यक्ति ने दिया है उसका श्रद्धा नष्ट नहीं होगा, क्यों, हमने दिया ठाकुर को सेवा के लिए, वो चीज ठाकुर की सेवा में लग गई, जब ठाकुर को सेवा में लग गई फिर क्या, ठाकुर जी उसको कृपा करेंगे। अगर बीच में अगर हम उसको अपहरण करते हैं फिर पाप का भागीदारी कौन बनेगा, हम बनेंगे, हम बनेंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते भैया जो भक्ति करते 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 ये सब चीज कभी कभी आती है, लेकिन साधो को सावधान होकर क्या करनी चाहिए, उसको ये सब चीज में सावधान रह करके, ये सब चीज हमें कहीं डूबो नहीं दे, उसको सावधान होकर के साधक को श्रवण कीर्तन रूपी जल भी उसको सेचन करना चाहिए। आमी सेवक अमार सेवन धर्म यही विचारे प्रतिष्ठित हुआ माली हुआ, माली मतलब क्या, माली समझ रहे हो, जो कि पेड़ को रखवाली करते हैं, कहते उसको भावना क्या रहनी चाहिए, कहते आमी सेवक, कहते हम प्रभु नहीं हम सेवक, हमारे सेवन धर्म यही विचार में प्रतिष्ठित होकर के मालिक क्या करता है, हर समय ठाकुर का श्रवण कीर्तन भजन में उसमें डूबा रहना, मतलब यही पानी भक्ति में पानी देना, यही जैसे आप लोग आते हो कथा सुन तो पानी दे रहे हो और लता में पानी दे रहे हो, फिर क्या होगा, धीरे 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 भक्ति आगे बढ़ती जाएगी, मतलब क्या, हमारी भावना धीरे 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 हमारी भावना आगे बढ़ती जाएगी,
बोले भक्ति लता बीज चा गुरु निकट हिते प्राप्त होला या अहितु की कृपा वशत कृष्ण निज ही गुरु रूपे प्रदान कर ले। कहते गुरु जी से जो भक्ति रूपी लता को हमें प्राप्त हुआ है, कहते ये क्या है? बोले ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी की कृपा नहीं होगा ना, कोई शुद्ध भक्तों को धारा में जा ही नहीं सकता है। अगर ठाकुर जी की किसको पर विशेष कृपा हो तब भी कोई शुद्ध लाइन में आ सकते हैं, नहीं तो उसको शुद्ध लाइन में भी नहीं आ सकते। इसलिए गुरुदेव कहते थे हम बड़े भाग्यवान हैं, हम इधर उधर नहीं जा करके महाप्रभु की धारा में हम लोग का जो आए, हम एक सही लाइन में हम खड़े हो गए, एक दिन ही हमारी नंबर आएगा ही। क्यों? हमने जो लाइन में आए हैं महाप्रभु की धारा में, सही लाइन में खड़े हो गए। भले ही लेट हो देर हो कोई बात नहीं, गुरुदेव कहते थे देर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ही ठाकुर जी के पास में पहुँचेंगे। ये प्रभु जी बता रहे थे ना, कोई बोलता अभी तक कुछ हो ही नहीं रहे, हमारा अभी हमारे कुछ हो ही नहीं रहे, ऐसे नहीं सोचनी चाहिए, कुछ हो रहा है। तो गुरुदेव एक उदाहरण देकर समझाते थे, बोले कोई एक व्यक्ति था, उसको खेती थी और उसको पास में 5 किलो गेहूँ था। अब ये 5 किलो गेहूँ को उसको पिसवा करके आटा बना करके खाने जा रहा था। किसने कहा तेरे पास में इतने खेती है, 5 किलो गेहूँ को अगर इसमें लगा दोगे ना पूरा साल भर चल जाएगा। बोले हाँ, बोले हाँ, बोले क्या करना पड़ेगा? बोले खेती करो, उसमें ये बीज को उसमें छिड़का दो, इतना कर दो। तो उसने कर दिया, छिड़का दिया। अब छिड़का दिया तो कुछ दिन बाद में आप देखना जब गेहूँ की खेती छिड़का देते ना, उसमें धीरे 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 अंकुर आता है। कुछ दिन बाद में उसमें अंकुर अंकुर आ गया, तो वो तो बड़े दुखी होकर गया। तो जो व्यक्ति ने कहा था, बोले आपने क्या बताया, 5 किलो गेहूं को पीस लेता तब 8-10 दिन चली जाता, आपने बोला खेती में फेंक दो, वहाँ कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, हमने देखा थोड़ी थोड़ी हाँ उसमें थोड़े थोड़े बाल निकल कर आया, कुछ नहीं है। बोले बेटा कोई चिंता मत कर, जब सूख जाए ना पानी देना। तो पानी दिया, कुछ दिन बाद में फिर देखा तो पूरा हरी हरी पूरा घास ही घास, फिर रो रो कर पीट पीट कर गए, बोले कुछ नहीं, तो बोला हरी हरी घास घास पूरा खेती में घास। बोले बेटा चिंता मत करो, जब सूख जाए पानी देना। जब कुछ दिन बाद में फिर पेड़ और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर तो और ज्यादा ही घास ही घास हो गया, कुछ नहीं, फिर रो रो कर गया कुछ नहीं, तो बोले घास ही घास और कुछ नहीं, बेकार हो गया 5 किलो गेहूं। बोले बेटा चिंता मत करो, शांत में रहो, पानी देते रहना। लेकिन कुछ दिन बाद में ना आप देखना, जब गेहूं की शीस आती है उसको पहले बाल निकलता है, हैं बाल निकलता है, वो थोड़ी बाल निकला निकला, फिर रो रो करेगा कुछ नहीं, बाल ही बाल, कुछ और कुछ यही नहीं, खेती में गया बेकार। बोले चिंता मत करो बेटा होगा। बस जब कुछ दिन ही गया, सचमुच से पूरा खेती खेती गेहूं गेहूं चारों तरफ में लहरा रहे, उसका मन में थोड़ा आशा आया, बोले हाँ कुछ है। फिर गए, बोले हाँ हाँ अपने जो बताया था ना सचमुच से देखा, पूरा खेती खेती पूरा लहरा रहे गेहूं। बोले चिंता मत कर बेटा, सूख जाए तो पानी देना। जब पानी दिया कुछ दिन बाद सूखा, जब लाया ना 5 किलो गेहूं, एक ट्रक गेहूं पूरा बैठ करके बाद साल भर नहीं, पूरा परिवार उसको कितना साल चला गया। तो गुरुदेव की बात को आश्वासन देकर गुरुदेव कहता कथा कहते थे, बोले देखो जी यहाँ जो आते हो, कथा सुनते हो, हरिनाम करते हो, ठाकुर का भजन करते हो, ये मत समझो कुछ नहीं हो रहा है, ये मत समझो कुछ नहीं हो रहा है, अंदर में हो रहा है, तुम्हारी अंदर में हो रहा है, लेकिन अभी प्रकाश नहीं हो रहा है। जब देखोगे ना हृदय में कृष्णा, अभी तो लता बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, जब फूल आएगी फिर उसमें जो फल होगा ना, ए बैठ बैठ करके फिर फल को पक्का हुआ फल को खाते रहोगे, फिर जिंदगी भर फिर खाते रहोगे फल को। इसलिए गुरुदेव को अगर कोई कुछ बोलते थे, गुरुदेव इसको उदाहरण देते थे, ये मत समझो कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है अंदर अंदर में सब कुछ हो रहा है, एक दिन फल उसमें आएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि तो बीज गुरु निकट सही बीज पे हमें कृष्ण सेवाई करवो, कहते वो बीज प्राप्त करके हमें क्या करनी चाहिए, कृष्ण सेवा करनी चाहिए। तार ना कर यदि सेवा उदासीनी है तबे असुविधा हो पड़ी। इसलिए प्रभुपाद कहते हमें क्या करना पड़ेगा, ठाकुर को सेवा भक्ति करते रहना, गुरुपाद पद में कृपा वाले भजन है बाधा अवश्य ही अपसारित हवे, भजन रे बाधा अपसारित सुविधा हवे।
लेकिन कभी कभी जैसे भक्ति करते हो कभी कभी बाधा बीच बीच में कभी कभी बाधा आ जाती है। भक्ति जगत में तरह तरह का बाधाएं आती हैं। प्रभु बात कहते तो उसके लिए कोई चिंता मत करो। अगर भजन करते करते बीच बीच में कोई बाधा है उसके लिए कोई चिंता मत करो। हरि नाम करते रहो, भजन करते रहो, भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा। इसलिए बोले क्लेशग्नि सुभदा। अगर जब सही सही भक्ति कर क्लेश की मतलब क्या, इतने तुम्हारी दुख कष्ट है सब दुख कष्ट खत्म हो जाएगी हैं। सुभदा जीवन में मंगल मंगलमय होगा। इसलिए गुरुमुख है तो साधु बन निकट है तो श्रवण है। साधु गुरु निर्देश मत तो पाठादि कार्य श्रवण अंतर्गत गुरुपाद पद्म है ते मुहूर्ते जन्य विच्युत होले नाना असुविधा निर्वाज्य। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं संतों से भगवत भक्तों से भगवान की कथा सुनते रहो। कहते गुरुपाद पद्म से जब हम च्युत हो जाते हैं तरह तरह का हमारे जीवन में असुविधा आने लग जाती है। इसलिए कभी भी गुरु वैष्णव से विच्युत कभी अलग नहीं होनी चाहिए। श्रवण कीर्तन हलो जग सचनकारी गुरुपाद प्रसिद्ध व्यक्ति कहते श्रवण कीर्तन किया जैसे लता उसको पानी देते हैं यही श्रवण कीर्तन ही हम पानी दे रहे हैं भक्ति लता में। इसलिए गुरुपाद पद्म आश्रित व्यक्ति विश्रम भर सहित सर्वदा गुरुपाद पद्म में सेवाई एकमात्र कृत्य। कहते हमें क्या करनी चाहिए, हमें एकनिष्ठ होकर के एकांत होकर के गुरुपाद पद्म की वैष्णव की हमें सेवा करनी चाहिए। साधु गुरु संग कराई कर्तव्य भक्ति लता के जतन पालन करा दरकार। हमें क्या करनी चाहिए, भक्ति रूपी लता बढ़ेगी कैसे हैं, ये लता बढ़ेगी कैसे। कहते जो भक्ति जो अंग है उसको जतन पूर्वक करो। जतन पूर्वक करो मतलब क्या है, इसलिए रोज मंगल आरती में आनी चाहिए हैं। ऐसे नहीं गुरु जी है इसलिए नहीं तो हम नहीं जाएंगे तो गुरुदेव हमें टांट लगाएंगे बोले तुमने मंगल आरती में नहीं आए। प्रभु जी बता रहे थे ना भक्ति बढ़ेगी इसका लक्षण क्या, जितना पूर्णा होते जाएगी उतना क्या मंगल आरती में नहीं आएंगे। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे बल्कि जितना पूर्णा होगी उतना हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए ना, घटनी नहीं चाहिए बढ़नी चाहिए। इसलिए भक्ति स्वाभाविक रूप में होनी चाहिए, ये हमारी स्वाभाविक रूप में। इसलिए हमें सो रहे कोई आकर के हमें उठाए तभी उठ करके मंगल आरती में आए, नहीं स्वाभाविक रूप में मंगल आरती में ठाकुर जी की मंगल आरती शुरू होने से पहले हम पहले नहा धो करके ठाकुर को सामने आ जाए। अभी हम साधन कर रहे हैं, अभी हमको वैदिक भक्ति में उसको जोर करके करते हैं। अब सवेरे उठते हैं ना, देखना जिस समय आपको एकदम गहरा नींदा आती समय उसमें उठना पड़ता है ना सवेरे। लेकिन ये साधन कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फल है ना इतने बढ़िया फल निकलेगा जो सोच नहीं सकते हो। जो इतने बढ़िया कहीं ठाकुर को मंगल आरती में जो आते हैं ना कहते जो मंगल आरती जो दर्शन करते हर समय उसका मंगल ही मंगल, कभी अमंगल जिंदगी में होता ही नहीं। ठाकुर का मंगल आरती जो दर्शन करते हैं ठाकुर तो देख रहे हैं ना कितने कष्ट करके घर से आते हैं तो मेरे दर्शन करते कथा सुनते ठाकुर सब चीज को देख रहे हैं। ये मत समझो देख नहीं रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुरी जी कहते अपने ग्रंथ में कहते हैं देखो कृष्ण क्या कहते हैं, जब ये जीव ठाकुर के पास में पहुंचता है ठाकुर जी उसको एक एक चीज को याद कराते हैं। मतलब देख बेटा तुम ये मत समझो मैं कुछ नहीं देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। तेरे पीछे खड़े होकर के तू क्या कर रहा था नहीं कर रहा था मैं सब पीछे देख रहा था। जैसे आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हो, किसी शादी की पार्टी में गए सब दुनिया प्याज लहसुन खा रही, लेकिन मेरे भक्त क्या करता है अपना मन को मार करके दही वाला खा लेता है जिसमें प्याज लहसुन नहीं उसको खाकर पेट भर देता है। ठाकुर खुद कहते हैं बोले हर चीज को मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर देख रहा था तो क्या क्या कर रहा था मेरे लिए, तभी तो एक दिन तुम मेरे पास में आए हो ना, मैं सब कुछ देखा तुम्हारे। इसलिए जो भक्ति भजन आते हो आरती में ठाकुर सब कुछ देख रहे हैं, इसका फल एक दिन ठाकुर जी जब ठाकुर के पास में जाओगे ना ठाकुर सब याद दिलाएंगे कितने कष्ट करके तुमने मैंने भक्ति की है। इसलिए जब ये भक्ति अंग को अपना जो हरिनाम करते हैं जो माला करते हैं वो अपना हरिनाम को फिक्स माला में कर लेनी चाहिए। ठाकुर को सेवा पूजा जो करते उसको नियम से हमें करनी चाहिए, ठीक है ना, नियम से हमें करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कहते साधु गुरु संग कराई करते भक्ति लता जतन पावन दरकार सुष्ठु भावे भगवान ने सेवा करते हुए यही विचार है तो विच्युत हले नाना असुविधा से ज्यादा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हमें अच्छे तरह से ठाकुर का श्रवण कीर्तन संख्या पूर्वक नाम ठाकुर को सेवा हमें
जतन पूर्वक करेंगे तभी हमारे जीवन में जरूर मंगल मंगल होगा, नहीं तो जीवन में मंगल होगा नहीं। ठीक है, दिखाई गौरव प्रेमानंद।